नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइनसेटिया के पौधे को कैसे केयर करें, जब हम इसकी परचेज करें तो किन बातों का ख्याल रखें, और इस पौधे के लिए कैसी सॉयल मिक्सचर बनाएं, क्या फर्टिलाइजर दें, तो पूरी बात करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। इससे पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ होती है, नॉर्मली हम लोग पॉइनसेटिया के पौधे को विंटर में ही, क्योंकि इसमें जो ये रेड कलर की आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, ये विंटर सीजन में ही आती हैं, तो इसकी जो परचेजिंग होती है मोस्टली विंटर में ही की जाती है। तो जब भी आप पॉइनसेटिया के पौधे की परचेजिंग करने जाएं, तो उसमें आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो नर्सरी से आप पौधे ले रहे हैं तो उनमें आप सभी पत्तों को देख लें कि इस पे कोई पेस्ट अटैक तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्लांट होता है दोस्तों, और क्योंकि इंडियन वेदर का प्लांट है नहीं, ये अमेरिकन मैक्सिको के वेदर का है, वहाँ की जलवायु में ये पौधे अच्छे से बढ़ते हैं, तो अपने यहाँ काफ़ी कॉस्टली मिलता है, करीब 200-250 के आसपास का एक पौधा मिलता है। तो इसकी आप अच्छे से देख लें, वो पौधा लें आप जो किसी शेडेड एरिया में रखा हो, जहाँ बहुत ज़्यादा धूप या हवा ना लग रही हो, और सारे पत्ते सारी ब्रांचेस इसकी फ्रेश हों। तो आप ऐसे पौधे की चयन करें, वो पौधा लेके आएं, और जब लेके आते हैं आप विंटर सीजन में, तो आते ही घर पे इसको किसी प्लेस पे आप अपने घर की कंडीशन में इसको शिफ्ट करें, और शिफ्ट होने का उसमें ढलने का मौका दें। आप पौधे को लेके आते ही रिपॉटिंग करना बिल्कुल ही गलत है। रिपॉटिंग इसको तब करें जब आपका फरवरी लास्ट तक का जो विंटर सीजन है वो ख़त्म हो जाता है, तब इसकी रिपॉटिंग करें आप। रिपॉटिंग के लिए आप कम से कम 12 इंच का गमला लें कोई भी, और उसमें रिपॉट करें। उसके लिए आपको जो सॉयल मिक्सचर बनाना है वो ऐसा बनाना है कि उसमें पानी बिल्कुल भी होल्ड ना हो। अगर पानी होल्ड होगा तो ये पौधा तुरंत ख़राब हो जाएगा, सारी पत्तियाँ अपनी गिरा देगा। तो पानी होल्ड बिल्कुल भी ना हो, और नमी बहुत ज़्यादा पौधे में ना बनी रहे, मॉइस्चर रहे पर ज़्यादा नमी ना रहे। उसके बाद दोस्तों हमें केयर करनी है, बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइज़र हमें क्या करना है। दोस्तों, जो मैंने मिट्टी बनाई है, मैं आपको बता दूं कि मिट्टी में मैंने क्या क्या मिलाया है, आपको ये दिख रहा होगा। मैंने इसमें धान की भूसी मिलाई हुई है, राइस हस्क, मेरी 50% गार्डन सॉयल है, 30% राइस हस्क है, और 20% इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक मुट्ठी बोन मिल भी मिला लिया है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ें आप इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि हमारे पॉइनसेटिया के पौधे को फर्टिलाइज़र क्या चाहिए। दोस्तों, फर्टिलाइज़र में आपको इसमें साल में दो बार ही फर्टिलाइजर करना है। एक बार आप जब फरवरी में इसके फ्लावर्स, ये जो रेड लीव्स हैं, ये गिर जाते हैं, रेस्ट पीरियड में जाता है पौधा, तब आप इसमें फर्टिलाइजिंग कर दीजिए। फर्टिलाइज़र में आप इसको जितना लिक्विड कंपोस्ट देंगे उतना बेहतर होगा इस पौधे के लिए। तो लिक्विड कंपोस्ट दें आप, वर्मी कंपोस्ट से बना हुआ या काउडंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट, या सरसों खली या प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट दें तो बेहतर होगा। उसके अलावा दूसरा, आप सितंबर अक्टूबर में इसमें कंपोस्टिंग कर दें, बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है इन पौधों को। तो दोस्तों, कंपोस्टिंग आप हो गई, उसके बाद दोस्तों इसकी प्रूनिंग होती है कि प्रूनिंग कब की जाए ताकि हमारे पौधे को थोड़ा घना बनाया जा सके। तो दोस्तों, इसको प्रून करना है तो प्रून भी हम इसको कर सकते हैं फरवरी लास्ट में या मार्च में, और सेकेंड टाइम हम कर सकते हैं अक्टूबर में, जब इसकी पौधों की खिलने का, ये रेड पत्ते जो होते हैं, इनकी लीव्स होती हैं, निकलने का टाइम होता है, उस टाइम पे इन्हें प्रून किया जा सकता है। देखना, प्रूनिंग के लिए आपको जो ध्यान देने की चीज़ है कि जो पौधा होता है उसकी 1 से 1.5 इंच नीचे की टिप से ही प्रूनिंग की जाए, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग इनकी नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि वाटरिंग कैसे करनी है। दोस्तों, इसकी वाटरिंग जो होती है आपको 2 दिन में एक बार मान के चलिए करनी है, क्योंकि अगर पौधे में नमी ज़्यादा होगी, मैंने पहले भी बताया, पौधा अपनी सारी लीव्स को गिरा देगा। तो इसकी वाटरिंग आप 2 दिन में एक बार कीजिए, और ये देख के, इस चीज़ को देखने के बाद कि पौधे को पानी की आवश्यकता है या नहीं, जब तक आपकी मिट्टी पूरी तरह से ड्राई ना हो आप इसमें वाटरिंग ना करें। अब दोस्तों, इसको कैसे कंडीशन में किस प्लेस पर रखना है, तो इसको ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ आपकी डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसको जो मॉइस्चर, वो एटमॉस्फेयर में जो गर्मी होती है, वो गर्मी तो चाहिए, वार्म चाहिए, इसको वार्म का पौधा है, पर इसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए। तो दिन में आप 4 से 5 घंटे की इसको गर्मी चाहिए, पर
धूप नहीं चाहिए। तो इसको रखने के लिए आप ऐसी प्लेस डिसाइड कीजिए जहाँ उजाला रहे, गर्मी बनी रहे, हल्की फुल्की, पर डायरेक्ट सनलाइट के संपर्क में ये पौधा ना रहे। और दूसरी चीज़ कि इसको डार्कनेस ज़्यादा पसंद है, तो दिन में 24 घंटे में इसको कम से कम 8 से 10 घंटे की डार्कनेस इसको चाहिए ही चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा जहाँ ठंडी हवाएं चल रही हों वहाँ भी इस पौधे को नहीं रखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस पौधे को आपको प्लेस करना है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पौधे को अभी फरवरी के बाद जब इसमें ये रेड लीव्स हैं ये गिर जाएंगी, तो इस पौधे की प्लेसिंग क्या होगी? क्योंकि हमारे यहाँ जो धूप होती है फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, धूप भी बहुत तेज़ होती है। तो इस पौधे की जो पॉट है आपका, इस पॉट को किसी मिट्टी के गमले में या क्यारी में रख दीजिए और हल्की हल्की वाटरिंग इसमें करते रहिए, ताकि नीचे से भी इसमें नमी बनी रहे और ऊपर से जब आप वाटरिंग करेंगे तो वो धूप जो है, जो एटमॉस्फेयर की गर्मी होगी, वो इसको सहने में आसानी होगी। तो इस प्रकार आप इस पौधे को गर्मियों में बचा के रख सकते हैं और फिर सर्दियों में इससे ढेर सारे सुंदर सुंदर ये रेड लीव्स ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक आखिरी चीज़ बता देता हूँ कि जो ये रेड लीव्स हैं इसकी, ढेर सारी इस पौधे की खूबसूरती यही रेड लीव्स ही बढ़ाती हैं। तो ढेर सारी रेड लीव्स आपको कैसे मिलेंगी? जब आपका सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा होता है तो ये पौधे उस समय, इनको जितनी ज़्यादा आप डार्कनेस देंगे उतना ज़्यादा इनमें ये जो ग्रीन लीव्स हैं ये रेड लीव्स बनेंगी। तो जब आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो 12 से 14 घंटे इन्हें पूरी तरह से डार्कनेस में रखें, मतलब किसी बंद कमरे में या किसी बंद जगह पर रखें। जितना ज़्यादा इन्हें अंधेरा मिलेगा उतनी ज़्यादा इनकी पत्तियाँ रेड होंगी और रेड लीव्स उतनी ज़्यादा आएंगी और उतनी ही ज़्यादा पौधे की खूबसूरती बढ़ेगी। तो ये रही कुछ पंसुतिया की पौधे की केयरिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।